हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो होने वाला है वो एक रेसिपी वीडियो होने वाला है, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो बात करते हैं, जब हम जिम के स्टार्टिंग का बात करते हैं कि जब हम जिम स्टार्ट किए थे तो बहुत ही स्किनी थे, जैसा कि आप लोग सबको पता है। और तो उस टाइम हम बहुत ही स्ट्रगल करते थे वेट गेन को लेकर कि जल्दी वेट गेन हो जाए। तो जब मेरा फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुआ था तो हम ट्रेनर से बस यही पूछते थे कि डाइट बता दो जिससे हम गेन कर पाए। तो जब पूछने जाते थे तो सबको यही रहता था कि बस खाओ, क्या खाओ कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी खा लो, बस वो वेट गेन करना है तो खाओ। बट ऐसे हमको कुछ समझ नहीं आता था कि भाई खाए तो खाए क्या, हम तो खाते थे बट वेट गेन होता नहीं था। तो लोगों के दिमाग में बस यही रहता है कि खाओ, बट एग्जैक्टली क्या खाना होता है किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो सारे रिसर्च गूगल में जाके रिसर्च, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखने के बाद आइडिया हुआ कि क्या खाना होता है एग्जैक्टली, प्रोटीन कितना चाहिए होता है, कार्ब्स कितना चाहिए होता है हमारे बॉडी को मसल बिल्ड करने के लिए। तो आज जो वीडियो होने वाला है वो एक चिकन रेसिपी का वीडियो होने वाला है, जो कि बहुत ही बेस्ट चिकन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है मेरे ख्याल से। अगर किसी को मसल बिल्ड करना है जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए बेस्ट है चिकन। तो ये जो रेसिपी वीडियो है, ये रेसिपी हम एग्जैक्टली 2 साल से खाते आ रहे हैं और बहुत ही बेस्ट हमको लगा है। सबसे पहले लेना है 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, और उसके बाद इसको अच्छे से धो लेना है क्योंकि इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह होता है। 2-3 बार धो लो, नहीं तो चाहो तो गर्म पानी में भी धो सकते हो। और अब ऐड करेंगे इसमें मसाला, और जो सबसे पहले जो मसाला ऐड करेंगे वो होगा चिकन मसाला, और जो क्वांटिटी होगा वो होगा 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद ऐड करेंगे जीरा पाउडर, ये भी थोड़ा सा बस, और फिर ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी, फिर ऐड करेंगे नमक, फिर लास्टली ऐड करेंगे लेमन ताकि इसका टेस्ट और इन्हेंस हो सके। उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि इसका जो मसाला है सारा मिक्स हो सके। उसके बाद इसको एक प्लेट से ढक के कुछ देर मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। ना कि चिकन ब्रेस्ट ही हो, क्योंकि तुम अगर दूसरा चीज़ लोगे लाइक चिकन लेग पीस वगैरह लोगे तो उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा जितना चिकन ब्रेस्ट में होता है। सो 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट की जगह 400-500 ग्राम भी ले सकते हो। हम ऐसा करते हैं कि 400-500 ग्राम ले लेते हैं और इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देते हैं ताकि 1-2 दिन तक आगे भी हम खा सकें। और सबसे पहले लेंगे एक पैन, उसको गर्म होने के लिए 1-2 मिनट तक छोड़ देंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें ऑयल थोड़ा सा, और ऑयल को गर्म होने के बाद फिर डालेंगे अपना चिकन, और चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो फ्लेम रहेगा वो मीडियम रहेगा। उसके बाद कुछ देर के लिए इसको अच्छे से ढक देंगे लो फ्लेम पे करके करीब 5-7 मिनट, एंड देन इसको चेक भी करते रहना है कि ये पक रहा है या ये जो हमारा चिकन है उसका पानी जो है वो सूख चुका है। तो हमारा चिकन जो है फाइनली रेडी हो चुका है। काट के एक बार चेक भी कर लो कि अच्छे से सीझा है कि नहीं चिकन। जो चिकन है वो रेडी हो चुका है, और इसके ऊपर थोड़ा सैलेड डाले हुए हैं ताकि ये थोड़ा मेरे लिए हेवी हो जाएगा, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए सैलेड जो खीरा है मेरे पास। और इसको जनरली हम या तो दोपहर में लेते हैं लंच में, नहीं तो पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं, और इसको टेस्ट करके ही बता देते हैं कैसा है। काफ़ी अच्छा पक चुका है, और इसको मसाला डालने के बाद इसका टेस्ट और भी अच्छा हो चुका है। तो इसमें हम पहले दही भी डालते थे, बट आज मेरे घर में दही नहीं था, दही की जगह और सारी चीज़ है बट दही नहीं है। दही डालने के बाद टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसको हम करीब 2 साल से लेते आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट है। और ये अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो अपने डाइट में चिकन को ज़रूर ऐड करो, ये तुम्हारे लिए मैजिक का काम करेगा। और यही था मेरा रेसिपी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा और चाहते हो कि और सारा वीडियोस हम डालते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर वीक हम सोच रहे हैं कि वर्कआउट और डाइट से रिलेटेड वीडियोज डालते रहें और अपना नॉलेज जो है हम तुम लोग के साथ शेयर करते रहें। अगला जो वीडियो होगा वो वेजिटेरियन लोगों के लिए होगा, क्योंकि ऐसा हम सोच रहे हैं कि एक बार नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बनाएं, एक दिन नॉन वेजिटेरियन लोगों के, तो वो ऐसा सही रहेगा। और किस चीज़ की वीडियो चाहिए हो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी और सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी क्वेरी जो फिटनेस रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यही था। इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट कर देना। Hey kid, don't ever let them get inside your head.
tell you what to do in life instead.